बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले कि उससे पहले ही राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो, अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी के रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। तब फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरे दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला गया। राजदरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। यह बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है, जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूँ, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूँ, और आज उसने मुझे भेंट भी किया, बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया।
मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। यह सुन दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं, भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा, कर्म सोच है, तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है। दोस्तों अब हम कर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सब एक कर्म है। असल में देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के साधारण से सिद्धांत को फॉलो करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो एक कर्म है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का एक परिणाम भी होता है। जैसे कांच की गिलास को फेंकना एक कर्म है और उसका टूट जाना उसका परिणाम, अत्यधिक बारिश होना एक कर्म है और बाढ़ आना उसका परिणाम। असल में परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में, ये पूरी तरीके से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो निर्णय लेता है कि किसके जीवन में सुख देना है और किसके जीवन में दुख, जबकि असल में हमारे कर्म और फिर उनके द्वारा मिलने वाले परिणाम ही हमारे सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। असल में कर्म का परिणाम ही भाग्य है और हमें कैसे कर्म करने हैं ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। तो जब कोई अच्छा कर्म करता चला जाता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होता चला जाता है। जैसे अगर दो बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा बचपन से ही नई चीज़ों को सीखने और जानने का प्रयास करता रहता है, वो हमेशा ही जो भी करता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, और जो दूसरा बच्चा है वो ना तो किसी नई चीज़ के बारे में सीखने और जानने का प्रयास करता है और ना ही किसी काम को पूरे मन से करता है, तो समय बीतने के साथ वो पहला वाला बच्चा अपने जीवन में काफ़ी सफल इंसान बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा सालों बाद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा बड़े ही आसानी से कह देगा कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन नहीं, असल में उसके कर्म अच्छे थे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी किस्मत भी अच्छी होती चली गई। तो अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को बदल कर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसे ही आप अपने कर्म बदलोगे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों ही परिस्थिति में सही है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन असल में कोई इंसान कैसे कर्म करता है ये मुख्य रूप से उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करता है। ज़्यादातर केसेस में एक एक्टर का बेटा एक्टर बनने की ही कोशिश करता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसका कारण ये है कि हमारा शरीर और मन अपने आसपास से ही सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और हम हमारे अंदर मौजूद सूचनाओं और ज्ञान के आधार पर ही कोई कार्य करते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार परिणाम भी मिलते हैं। असल में हम अपने रोज के कामों का 99% अनकॉन्शियस तरीके से करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन
प्राप्त सूचनाओं को याद रखता है और फिर उन्हें दोहराता रहता है। जैसे जब हम कार चलाना सीख रहे थे तब हम एकदम पूरी कॉन्शियसनेस के साथ हर चीज़ पर ध्यान रख रहे थे कि स्टेयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, लेकिन कुछ समय बाद हम बात करते हुए या कुछ भी सोचते हुए बड़ी आसानी से कार चला पाते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर कार चलाने की प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम लगभग अपने सारे काम अब इसी तरीके से करते हैं बिना किसी जागरूकता के। बस वो काम होते चले जाते हैं क्योंकि हमारे काम बिना किसी जागरूकता के हो रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हमें कोई चला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, जबकि असल में हमारे कर्म ही अब हमारी आदत बन चुके हैं। अगर हम अपने ज़्यादातर काम जागरूक होकर करने लगे तो पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जागरूकता की वजह से हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। जैसा कि ऊपर की कहानी में गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं, और जागरूकता की अवस्था में हमारा हमारे विचारों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। विचारों के नियंत्रण से हम कर्म में नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, और फिर जब हमारे कर्म हमारे हिसाब से होंगे तो उनका परिणाम भी उसी के अनुरूप ही होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने चित्त के नियंत्रण पर जोर दिया है कि जब किसी इंसान का चित्त ही शुद्ध हो जाएगा तो उसके मन में बुरे विचार ही कैसे आएंगे और फिर वो बुरे कर्म ही कैसे करेगा। इसलिए गौतम बुद्ध का पूरा ज्ञान चित्त की शुद्धता पर जोर देता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।